और अब बात करते हैं बाढ़ बारिश के आतंक की। अगस्त के महीने में इस बार बादलों ने कहर मचा रखा है। आसमान से आफत बरस रही है। बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश से काफी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में तो जैसे बार बार ये सैलाब विनाश लेकर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बादलों ने कैसा कहर मचाया है, देखिए ये रिपोर्ट। तबाही की साक्षात तस्वीर, मौत लाने वाला सैलाब, प्रलय मचाने वाली बाढ़, हाहाकार मचाने वाली बारिश, हिमाचल में बादलों का महाविस्फोट, सब तबाह हो गया, सब इस सैलाब में समा गया। आसमान से तबाही का प्रहार हुआ और मंजर ऐसा भयावह हो गया कि देखते ही दिल दहल जाए। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, घरों के सामने तबाही की साक्षात निशानियां हैं। सब चीजें उलट पुलट हो गई हैं, हर चीज चकनाचूर हो चुकी है, यहां कुछ भी नहीं बचा है। जरा इन गाड़ियों की हालत देख लीजिए, भारी बारिश ने इन गाड़ियों की क्या हालत कर दी। अच्छी खासी कारें सैलाब के प्रहार से उलट पुलट हो चुकी हैं, बारिश के थपेड़ों से डिब्बा बन गई हैं, यहां तक कि घर मकान तबाह हो चुके हैं। ऐसी भयानक बारिश हुई कि घरों में लगे पौधे भी उखड़ गए, गमले तहस नहस हो गए, सब सामान नष्ट हो गया, सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं, रास्तों का वजूद मिट गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बारिश से भारी तबाही मची है, तस्वीरें इसकी गवाही खुद दे रही। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊना के बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर कल ये जो बरसाती नाला है जिसे होम खड कहा जाता है, उसने काफ़ी कहर यहाँ पर बरपाया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, कल यहाँ की तस्वीरें काफ़ी भयावह तस्वीरें थी, भयानक यहाँ की तस्वीरें थी। पानी जो था इस बरसाती नाले का, वो ओवरफ्लो करके ऊपर तक आ गया था। यहाँ पे जो पुल बनाया गया है, पुल के ऊपर से पानी बहकर पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले चुका था, और जिसकी वजह से आप देखिए पेट्रोल पंप का नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो कट चुका है। नीचे से पेट्रोल पंप की ज़मीन पूरी तेज बहाव जो पानी का था उसकी वजह से कट चुकी है। ऊना के बथाड़ी गांव में बरसाती नाले ने इतनी तबाही मचाई कि पेट्रोल पंप भी बह गया, कई उद्योग भी तबाह हो गए। बथाड़ी इलाके में काफी प्रवासी मजदूर रहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। सैलाब आया तो इन लोगों के घर और कमरे भी सैलाब की चपेट में आ गए। इसके बाद कुछ बच्चे भी पानी के तेज बहाव में बह गए। कितनी तेज पानी आया था, क्या हुआ था? बहुत तेज हुआ था सर। हम लोग तो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हम लोग तो भागने का दावर नहीं मिल रहा था। हम लोग तो ऊपर इंगल के ऊपर चढ़ चढ़ बैठे हुए थे। हम लोग कितने आदमी फंसे हुए थे, मजदूर आदमी। अब तो जान बच गई किसी तरह से? हाँ, जान तो हम लोग बचा लिए सर, ना तो हम लोग नहीं भागते तो पानी में दहे जाते हम ही लोग। बथाड़ी गांव की गौशाला भी पानी में डूब गई, जिसके बाद वहां बंधी गायों को किसी तरह से लोगों ने रस्सियां काटकर बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसाती नाले होम खड में लगातार हो रही अवैध माइनिंग की वजह से तेज बारिश के बाद सैलाब आया और नाले का पानी अपना रास्ता बदलकर रिहायशी इलाके में घुस गया। 70-80 फुट खड्डे डाले हैं, नजायज माइनिंग हो रही है, वो पानी इकट्ठा हो के बाद में इकट्ठा ही बह गया जो भी है।
नुकसान हुआ, जितना फैक्ट्री है सारा मेरी जमीन हट गई। तो बरसाती नाले में जो माइनिंग चल रही है उसकी वजह से ये स्थिति वजह से हो गया जी सारा कुछ। ऊपर आप देखो ना जाके कितने खड्डे मारे हैं सारे, ऐसी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए बरसाती नाले में एकदम से उफान में पानी आया, जिसके बाद ये स्थिति बनी कि किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई। गौशाला की जो गायें हैं उनको देखिए खोलकर यहाँ खुले में रखा गया है और अंदर से गायों की रस्सियाँ काट काट कर उनको बाहर निकाला गया पानी से बचाने के लिए। तो ये स्थिति ऊना में बनी है। ऊना के बथाड़ी गांव और इंडस्ट्रियल एरिया में तबाही की तस्वीरें डराने वाली, घरों और गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक तबाह हो चुकी। बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया इसको कहा जाता है, वहां पर क्या हालत हुई है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए इस गाड़ी की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज बहाव के साथ ये पानी आया था और उसके बाद यहां पर जो ये पार्किंग एरिया में गाड़ियां खड़ी थी इनको निकालने का वक्त भी नहीं मिला। ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बनाने की फैक्ट्री है, इसके अंदर भी जो पानी था वो भर गया और आप देखिए पानी कितना ज़्यादा था वो आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जितनी भी आपको सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ पानी की वजह से हुआ है। जो अंदर यहाँ पर स्टाफ की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर पानी आया होगा। देखिए गाड़ियाँ आपको पलटी हुई दिखाई देंगी, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तेज़ बहाव जो पानी का था उसकी वजह से सब कुछ हुआ। ऊना के अलावा हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश की वजह से 288 सड़कें बंद हैं। हिमाचल के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। ऊना से मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।